हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं काजोल। पूरा देश इन दिनों त्योहारों के रंग में रंगा हुआ है। हाल ही में रक्षाबंधन धूमधाम के साथ मनाया गया, तो अब जन्माष्टमी का त्योहार भी आ गया है। इस दिन लड्डू गोपाल के जन्म के साथ साथ धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। बॉलीवुड में भी इस त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब कोई भी त्यौहार बिना गानों के तो फीका ही हो जाता है। तो जन्माष्टमी हम बताते हैं आपको राधा कृष्ण के ये 5 पॉपुलर बॉलीवुड गाने जो आपके जन्माष्टमी के जश्न को दोगुना कर देंगे। साल 2021 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म लगान को भला कौन भूल सकता है। लगान मूवी का गाना राधा कैसे ही ना चले आज भी लोग गुनगुनाते हुए मिल जाते हैं। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में गाया गाना राधा कैसे ही ना चले जन्माष्टमी पर आपके प्ले लिस्ट के लिए बेस्ट सॉन्ग है। विवेक ओब्रॉय और ईशा शर्वानी का गाना वो किसना है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए बेस्ट सॉन्ग है। ये गाना आपके जन्माष्टमी के दिन को खास बना देगा। फिल्म बाजीराव मस्तानी का सॉन्ग मोहे रंग दोलाल दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया। पंडित बिरजू महाराज श्रेया घोषाल की आवाज में गाया ये गाना लोगों को खूब पसंद आया। आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा के फिल्म ड्रीम गर्ल का राधे राधे सॉन्ग जन्माष्टमी प्लेलिस्ट के लिए बेस्ट है, जो हर किसी को भी थिरकने को मजबूर कर सकता है। फिल्म हम साथ साथ हैं का मैया यशोदा गाना भी लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। गाने में करिश्मा कपूर, सोनाली बिंद्रे और तब्बू ने एक्टिंग की थी। बता दें कि इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार 18-19 अगस्त को मनाया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही दिन को लेकर लोगों में संशय बना हुआ है। सोनी चैनल पर आने वाले रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सालों से टीवी पर राज कर रहा है। ये शो सबसे ज्यादा समय से प्रसारित होने वाले रियलिटी शोज में से एक है और इसके 14 सीजन टीआरपी की लिस्ट में हमेशा अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, अगर एंटरटेनमेंट के साथ दर्शकों को ज्ञान भी मिल रहा है तो लोग इसे देखना पसंद करते हैं। हालांकि सिर्फ गेम का फॉर्मेट ही इसे हिट नहीं बनाता, बल्कि होस्ट का भी शो पर गहरा असर पड़ता है। हिंदी सिनेमा के मेगा स्टार और शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन इस समय से केबीसी से जुड़े हुए हैं। जब से शो शुरू हुआ साल 2000 में शुरू हुआ था, तब से अमिताभ बच्चन सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक सभी सीजन को होस्ट किया, सिर्फ तीसरा सीजन छोड़कर जिसे शाहरुख खान ने होस्ट किया था। इसके बाद से बिग बी ने केबीसी की कमान संभाल रखी है और उनके द्वारा होस्ट किए गए 13 सीजन सुपर हिट साबित हुए। इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति 14 चर्चाओं में है। अमिताभ बच्चन भी अपने फॉर्म में हैं और शो को मजेदार अंदाज में होस्ट कर रहे हैं। वो इस सीजन के लिए एक मोटी रकम भी ले रहे हैं। हर सीजन की तरह उन्होंने इस बार अपनी फीस में इजाफा किया। कुछ खबरों की माने तो अमिताभ बच्चन शो के लिए 4-5 करोड़ रुपए प्रति एपिसोड चार्ज कर रहे हैं। करण जौहर ऐसे शख्स हैं जो मेहमानों को अपनी काउच पर बैठाते हैं और सब कुछ उगलवा लेते हैं। बात कर रहे हैं उनके पॉपुलर शो कॉफी विद करण की। इस बार सीजन भी काफी धमाकेदार जा रहा है। इस बार तो उन्होंने ये भी खबर पक्की कर दी है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पिछले काफी समय से सिद्धार्थ और कियारा अक्सर अपनी डेटिंग को लेकर खबरों की हेडलाइन बने रहते हैं। हालांकि कभी दोनों ये खुलकर बात स्वीकार नहीं करते, मगर करण जौहर ने कर दिखाया। इस बार कॉफी विद करण 7 में उनके गेस्ट बने दो मुंडे, यानी कि विकी कौशल और सिद्धार्थ मल्होत्रा। दोनों ने खुलकर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की। अब विकी तो कटरीना कैफ के साथ सेटल हो चुके हैं, ऐसे में सिद्धार्थ की रिलेशनशिप मैरिज प्लानिंग को लेकर खिंचाई और चर्चा तो होनी ही थी, वो भी तब जब लगातार उनकी और कियारा की डेटिंग की चर्चाएं हो रही हैं। तो चलिए बताते हैं कि किस तरह सिद्धार्थ से बातचीत के दौरान करण ने उनसे उगलवा ही लिया कि वो कियारा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं कि विकी से कटरीना के बारे में बात करने के बाद करण सिद्धार्थ की तरफ मुड़े और कहा कि चूंकि ये काउच मैनिफेस्टेशन काउच है तो क्या आप भी कुछ कहना चाहते हैं। सिद्धार्थ इस सवाल से बचना चाह रहे थे, मगर करण तो करण है, उन्होंने सीधे सवाल पूछ लिया। तो क्या आप कियारा आडवाणी को डेट कर रहे हैं, आपका कोई फ्यूचर प्लान है, कुछ ऐसा जो हमें जानना चाहिए। तभी सिद्धार्थ को छेड़ने के लिए विक्की तुरंत शेरशाह का गाना राता लंबिया गाने लगे। वहीं सिद्धार्थ बोलते हैं मैं आज प्रकट करना चाहता हूं कि, तभी बीच में टोकते हुए करण बोल पड़ते हैं क्या वो कहना चाहते हैं कि वो कियारा आडवाणी से शादी करेंगे। सिद्धार्थ ने सिर्फ जवाब दिया एक उज्ज्वल खुशहाल भविष्य। इस पर भी करण रुकते नहीं है, उनकी लाइन को जोड़ते हुए आगे बोल पड़ते हैं कियारा आडवाणी के साथ। इसके बाद सिद्धार्थ फाइनल जवाब देते हैं अगर वो होंगी तो ग्रेट होगा। सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 के प्रीमियम का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस सीजन की तरह इस बार फिर शो में सितारों का तांता देखने को मिलेगा, जो अपने डांस से स्टेज पर आग लगाने वाले हैं। शो को बी टाउन के दिग्गज सितारे जज करेंगे, जिसमें धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, डांसिंग क्वीन नौरा फतेही और फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर शामिल हैं। टैलेंटेड जजेस के अलावा कई दिग्गज सितारे भी कंटेस्टेंट के रूप में दिखाई देंगे। शो में धीरज कपूर, निया शर्मा, पारस कलनावा, शिल्पा शिंदे जैसे स्टार्स के नाम कन्फर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट में
सामने आ रहे हैं। यूं तो स्टार्स के बीच रियलिटी शो में नजदीकियां देखने को मिली हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले ही लगता है दो सितारे के बीच प्यार की चिंगारी उठ गई है। ये हम नहीं बल्कि इंडस्ट्री में चल रही अटकलें बता रही हैं। वुमेन्स एरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक निया शर्मा और पारस कलनावत के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। हालांकि अभी तक दोनों को साथ नहीं देखा गया है। हाल ही में पारस कलनावत इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिहर्सल करते हुए एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें एक लड़की के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। लड़की की बैक साइड से फोटो ली गई है, इसलिए उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। डेटिंग रूमर्स के बीच लोग कयास लगा रहे हैं कि तस्वीरों में दिख रही है लड़की निया शर्मा है। इस फोटो को शेयर करते हुए पारस ने कैप्शन में लिखा है, गुड न्यूज, अंदाजा लगाइए कौन है। इसके बाद कमेंट बॉक्स में भी फैंस निया शर्मा का नाम ले ही रहे हैं। और ऐसी चटपटे मजेदार खबरों के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड गपशप के साथ।